नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष खम्बे और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस रीरन क्लासेस के चैनल पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम हर रोज एमपीपीएससी के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और आज का पार्ट है पार्ट 24 और आज का टॉपिक है वाइल्ड लाइफ एंड सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वन जीवन एवं अभ्यारण्य। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन बना हुआ है तो उसको भी प्लीज जरूर क्लिक करेगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। और आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए, उनके लिए भी ये 5 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी अगर एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो। और आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में कभी भी बात कर सकते हैं दोस्तों। और आपने अभी देखा होगा कि नीचे बिजनेस एनालिस्ट का नाम आया है, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, इसलिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखिएगा आप। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, यह हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, वाइट टाइगर क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ए चंबल, बी शिवपुरी, सी बांधवगढ़, डी काना किसली। उत्तर है सी बांधवगढ़। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत शहडोल, सीधी, उमरिया व डिंडोरी जिले आते हैं। इसी पठार में उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह राष्ट्रीय उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला उद्यान है। 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रति 8 किलोमीटर पर एक शेर पाया जाता है, जो देश में सर्वाधिक है। 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ व्हाइट टाइगर एरिया? ए चंबल, बी शिवपुरी, सी बांधवगढ़, डी काना किसली। आंसर इज सी बांधवगढ़। अंडर दी बघेलखंड प्लेटी ऑफ मध्य प्रदेश, शहडोल, सीधी, उमरिया एंड डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट्स कम। दिस प्लेटी इज लोकेटेड इन बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन उमरिया डिस्ट्रिक्ट, विच इज फेमस फॉर व्हाइट लायंस। दिस नेशनल पार्क इज लार्जेस्ट लायन डेंसिटी गार्डन इन द कंट्री। अ लायन इज फाउंड इन एवरी 8 किलोमीटर्स इन दिस नेशनल पार्क स्प्रेड ओवर 437 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, which is the highest in the country. It has been included in Project Tiger in 1993. प्रश्न 2, रीवा के महाराज का कौन सा खेल रिजर्व परिवर्तित किया गया है? A बंदीपुर अभ्यारण, B महादेव अभ्यारण, C बांधवगढ़ अभ्यारण, D पन्ना रिजर्व। उत्तर है C बांधवगढ़ अभ्यारण। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह खजुराहो से लगभग 237 किलोमीटर और जबलपुर से 195 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पहले बांधवगढ़ के चारों ओर जंगल का रखरखाव रीवा के महाराज के शिकारगाह के रूप में किया जाता था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अपने बाघों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2, विच गेम रिजर्व ऑफ रीवास महाराज हैज बीन चेंज्ड? ए बंदीपुर सेंचुरी, बी महादेव सेंचुरी, सी बांधवगढ़ सेंचुरी, डी पन्ना सेंचुरी। आंसर इज सी बांधवगढ़ सेंचुरी। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द विंध्या माउंटेन रेंज ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज लोकेटेड अप्रॉक्सिमेटली 237 किलोमीटर फ्रॉम खजुराहो एंड 195 किलोमीटर फ्रॉम जबलपुर। प्रीवियसली द फोर फॉरेस्ट ऑफ बांधवगढ़ वेयर मेंटेन्ड एज द हंटिंग ग्राउंड ऑफ रीवास महाराजा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज फेमस फॉर इट्स टाइगर्स अराउंड द वर्ल्ड। प्रश्न 3, खजुराहो के निकट कौन सा वन जीव अभ्यारण है? ए पेच, बी बगदरा, सी काना किसली, डी पनपथा। आंसर इज डी पनपथा। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के निकट पनपथा वन्य जीव अभ्यारण स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में
स्थित है, जबकि पनपथा वन्य जीव अभ्यारण्य उमरिया जिले में है। इसी तरह बगदरा अभ्यारण्य सिंगरौली जिले में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में तथा पेंच छिंदवाड़ा में आता है। इस तरह पनपथा उमरिया ही सबसे निकट है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नियर द खजुराहो? ए पेंच, बी बगदरा, सी कान्हा किसली, डी पनपथा। एंड द आंसर इज डी, दैट इज पनपथा। पनपथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड नियर द वर्ल्ड फेमस खजुराहो। खजुराहो इज लोकेटेड इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वाइल द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन उमरिया डिस्ट्रिक्ट। सिमिलरली बगदरा सेंचुरी कम्स इन सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट, कान्हा नेशनल पार्क इन मंडला एंड पेंच इन छिंदवाड़ा। इन दिस वे पनपथा उमरिया इज द क्लोजेस्ट वन। प्रश्न 4, प्रश्न 4 पे चलने से पहले दोस्तों बिजनेस एनालिस्ट के बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं। बिजनेस एनालिस्ट की इंडिया में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहां पर इंडिया में बिजनेस एनालिस्ट की बहुत कमी है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट अगर सोच रहे हो तो आप बिजनेस एनालिस्ट बनकर एक अच्छा प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। और लगभग एवरेज सैलरी जो बिजनेस एनालिस्ट की है वो है ₹6,44,857 पर ईयर, और जो कि एक अच्छा अमाउंट है स्टार्टिंग सैलरी के हिसाब से। और अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है, एज अ प्रोफेशन आपको चूज करना है, तो अच्छा ऑप्शन है। और आपको हमने यहाँ पर नीचे लिंक दी हुई है जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ पे आपको सारे के सारे बिजनेस एनालिस्ट कैसे बनना है, कैसे आप उसका कोर्स कर सकते हैं, सारी जानकारी दी गई है। तो आप उसको सिंपल से क्लिक कर लीजिए। वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप खुल जाएगा, और वहाँ पर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद आपका सारा टेंशन फ्री, जितनी भी जानकारी चाहिए आपको सारी वहाँ से मिल जाएगी। तो आइए प्रश्न 4 पे चलते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? ए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बी जिम कॉर्बेट उद्यान, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, डी माधव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों क्या आप इसको बता सकते हैं? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका उत्तर है बी, बिल्कुल सही, जिम कॉर्बेट उद्यान। जिम कॉर्बेट उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, उत्तराखंड में स्थित है। शेष राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट उद्यान में सर्वप्रथम 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 4, विच नेशनल पार्क इज नॉट रिलेटेड टू मध्य प्रदेश? ए बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बी जिम कॉर्बेट गार्डन, सी कान्हा नेशनल पार्क, डी माधव नेशनल पार्क। एंड द आंसर इज बी, दैट इज जिम कॉर्बेट गार्डन। जिम कॉर्बेट पार्क इज नॉट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। द रिमेनिंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन उत्तराखंड जिम कॉर्बेट पार्क इन 1973-74। प्रश्न 5, सबसे बड़े भारतीय हिरण का नाम क्या है? ए शिका, बी चिंकारा, सी सांभर, डी बारासिंघा। इसका उत्तर है दोस्तों सी सांभर। सबसे बड़ा भारतीय हिरण सांभर अपने संपूर्ण फैलाव क्षेत्र में विभिन्न रूप और आकार में पाया जाता है, जिसके कारण पुराने समय में वैज्ञानिकों में असमंजस था और इसके लगभग 40 प्राय थे। सामान्यतः कंधे तक की ऊंचाई 102 से 160 सेंटीमीटर होती है तथा वजन 150 से 320 किलोग्राम तक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट भारतीय डियर? ए शिखा, बी चिंगारा, सी सांभर, डी बारासिंगा। एंड द आंसर इज
सी दैट इज सांभर. द लार्जेस्ट इंडियन डियर सांभर इज फाउंड इन इट्स एंटायर डिस्पर्जन एरिया इन वेरियस फॉर्म एंड साइजेस ड्यू टू विच द साइंटिस्ट वेयर कंफ्यूज्ड इन द ओल्ड टाइम्स एंड हैड अबाउट 40 अल्टरनेटिव्स. नॉर्मली द हाइट इज 102 टू 160 सेंटीमीटर एंड वेट इज 150 टू 320 किलोग्राम्स. तो दोस्तों आज के हमने 5 क्वेश्चंस आप सबके साथ डिस्कस कर लिए. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमसे कभी भी हमारे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं. और दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय.